हेलो गेमर्स, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं डिक्टेटर, मेरे चैनल डिक्टेटर प्लेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये होगा हमारा फिफ्थ एपिसोड अब हमारा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। सो ऑन द प्रीवियस एपिसोड गाइस, हमने बनाया था हमारे विलेज का फार्मर हाउस, सुगरकेन फार्मर का घर, जो कि बहुत ही शानदार बन के आया है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाके देखो। तो एनीवे, पिछले वीडियो में मैं इंटीरियर नहीं कर पाया था, बट इन बिटवीन दिस एपिसोड्स मैंने बना लिया है हमारे घर का इंटीरियर। नॉट हमारा घर, मतलब हमारा घर तो उडेड है, हमारा स्टार्टर हाउस। दिस इज द फार्मर्स हाउस, सुगरकेन फार्मर्स हाउस, भूल जाता हूँ भाई। एनीवे, तो अगर हम यहाँ से अंदर रहेंगे, यहाँ पे है एक छोटा सा कारपेट, यहाँ पे है कुछ पेंटिंग, छोटा सा फायर प्लेस, कुछ चेयर्स एंड सम डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए, थोड़े बहुत फ्लावर पॉट, बुश पॉट। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा किचन, नथिंग सो फैंसी। और यहाँ पे एक लैडर है जो हमारे एटिक तक जाता है, और एटिक में बेसिकली है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज, जहाँ पे इन्हों हमारा सुगरकेन फार्मर अपने सारे सुगरकेन जमा करके रखता है, और बाद में जब बेचना पड़ता है यहाँ से उठा के लेके बेच देता है, राइट। सो दिस इज़ लाइक एक्स्ट्रा स्टोरेज। और ओवर हियर वी हैव दी बेडरूम, तो यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह सोते होंगे, और यहाँ पे जो रख है बच्चे लोग सो जाते होंगे, राइट, जमीन पे सो जाते हैं इस रख पे। तो या दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट। ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, ज़्यादा अमीर फार्मर नहीं है, बट दे हैव प्रिटी मच एवरीथिंग फॉर डे टू डे सर्वाइवल। एंड या ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो पिछला फील्ड, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, एक्चुअली कोई चेंज नहीं है, बस मैंने थोड़ा हार्वेस्ट किया था जिससे मुझे मिल चुके हैं 2 स्टैक और 36 सुगर केन्स। और अगर हम हमारे ऑटोमेटिक सुगर केन फार्म में जाएंगे, जो कि यहाँ होगा, तो लेट्स सी हाउ मेनी सुगर केन्स वी गॉट। ऑलराइट, जस्ट 45, नॉट बैड, ज़्यादा बड़ा फार्म नहीं है। तो मे बी इन नियर फ्यूचर मैं यहाँ इसको और बड़ा बनाऊँगा, पर फिलहाल के लिए आई थिंक इतने सुगर केन हमारा 15 बुकशेल्फ के लिए काफ़ी होगा। तो अब जब हमारे सुगर केन का बंदोबस्त हो चुका है, अब हमें चाहिए होगा लेदर, जिससे हम बना पाएंगे हमारे 15 बुकशेल्फ। और लेदर के लिए हमें अनफॉर्चुनेटली कुछ काउ स्लॉटर करने पड़ेंगे। सो मैं सोच रहा था इस एपिसोड बनाऊँ एक ऑटोमेटिक लेदर स्लैश काउ फार्म, जो हमें देगा लेदर एज वेल एज कुक्ड बीफ और स्टेक। सो हमारा खाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा, क्योंकि मैं बस मेलन स्लाइस खा रहा हूँ, क्योंकि जितने सारे हेबल्स मैंने चुराए थे उस विलेज से वो सारे ख़त्म हो गए हैं, और मैं ब्रेड भी नहीं बना पा रहा हूँ। पर उससे पहले दोस्तों, मैं सोच रहा था यहाँ पे बनाऊँ एक काउ पेन, जहाँ पे सारे काउ मैं इकट्ठा करके रख पाऊँगा हमारे ऑटोमेटिक काउ फार्म के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, वो बनाने के लिए मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, कॉबलस्टोन से लेकर डीप स्लेट कुछ भी नहीं है, सारे ख़त्म हो गए हैं। हेलो, हू इज़ ओवर हियर भाई, पता नहीं यहाँ पे लामा लोगों का जकूजी वगैरह चल रहा है। Nobody knows what is going on here. And check this out, ये है हमारा स्ट्रिप माइनिंग एरिया, जो है हमारे वाई लेवल 11 पे। तो हमने जो हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड शुरू किया था, वो हमने 1.17 में शुरू किया था, अब हमारे पास 1.18 आ चुका है। तो अगर हम चाहें तो हम नीचे आई थिंक -64 तक डिग कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ कॉबल स्टोन और कुछ डीप स्लेट कलेक्ट कर लूँगा, नीचे शायद हम बाद में जाएंगे। फिलहाल मेरे पास डीप स्लेट कम है और कॉबल स्टोन भी कम है, सो यहाँ से हमें इनफ मिल जाएगा। और ये जो एरिया है वो 1.17 में लोडेड था, सो आई थिंक देयर कैन बी ए चांस हमें डायमंड भी शायद यहाँ पे मिल सकता है। सो आई एम स्टिल हाइप्ड राइट नाउ, सो या लेट्स जस्ट गेट ऑन to collect some resources. Oh my god, my English is so bad. Oh no, yaar. Duolingo download karna padega English seekhne ke liye phir se. Jai Duolingo. All right, oh friendos. To humne hamara pura infantry full kar liya hai block se. And check this out, hame diamond bhi mil gaya. Ye bahut hi kareeb tha actually. Kuch block tode aur yahan mil gaye. तो 4 डायमंड है, मैं एक्चुअली इन्हें तोड़ लूँगा, क्योंकि मेरे पास जो डायमंड पिकैक्स है वो लिटरली मरने को है। सो आई वुड रैदर टेक दिस डायमंड एंड मेक अनदर पिकैक्स, राइट। मेरे घर में अभी भी 3 डायमंड है, बट दैट्स अन मैथड। अरे मेरा इन्वेंटरी फुल है, मैं भूल गया था, रेस्टोन तुम्हारी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, मेरे पास भर भर की रेस्टोन है। एनीवे, अब ऊपर चलते हैं और काम पे लगते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों सुबह हो चुका है, और सुबह क्या दोपहर हो चुका है। एंड एनीवे, आई थिंक ये जगह सही रहेगा हमारे काउ पेन के लिए, और यहाँ पे जो एरिया है वो हमें बहुत ज़्यादा टेराफॉर्म करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ लेट्स वर्क ऑन आवर काउ पेन। ओके, इस बहुत ही सिंपल सा काउ पेन होगा, जहाँ पे बेसिकली थोड़ा छाव मिलता होगा गाय लोगों को,
दिन में अगर थक जाते हैं तो काउ मतलब काउ पेन में आके पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, राइट? इट मेक्स सेंस, राइट? सो लेट्स सी, मे बी वी कैन गो 1 2 बड़ा बूम बड़ा बूम बड़ा बूम बम। सो ए होगा हमारा डायमेंशन, बेसिकली 7x9, एंड बूम चारों तरफ हमने 4 ब्लॉक टॉल वॉल लगा दिया है। और इसके ऊपर दोस्तों हम रूफ के लिए फुल ब्लॉक इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे डीप स्लेट का, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रफ आउट कर देंगे यूजिंग सम स्टेयर्स। तो कुछ ऐसा लग रहा है, एकदम बॉक्सी बॉक्सी लग रहा है, हम इसको बाद में डेकोरेट करेंगे। फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है, हमने फुल ब्लॉक दे दिया है हमारे रूफ के लिए, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। अब जो यहाँ वाला पार्ट है दोस्तों, हम यहाँ पे देंगे स्टेयर्स। क्या मैं 3PP में स्टेयर्स लगा पाऊंगा दोस्तों? ये लग गया पहला स्टेयर्स, ये लग गया दूसरा, ये लग गया तीसरा, ये लग गया चौथा, ये लग गया पांचवा, ये लग गया छह, और मेरा हो गया सारे स्टेयर्स खत्म, रात भी हो गया है। चलो दोस्तों, मैं चले सोने भाई। अब मैं इसको जो रूफ है थोड़ा रस्टिक लुक दूंगा यूजिंग सम स्टेयर्स। तो पूरा फुल ब्लॉक जो है उसके बीच बीच में मैं कुछ स्टेयर्स दे दूंगा। एंड चेक दिस आउट दोस्तों, यार कितना शानदार लग रहा है इतना दूर से। एंड यार दोस्तों, हमने हमारे घर का टेक्सचर, हमारा घर नहीं, हमारा काऊ पेन का टेक्सचरिंग कर दिया है। एंड चेक दिस आउट, कितना पुराना और कितना गंदा गंदा लगता है ना, ऐसा लगता है जंगली जानवर नहीं, मतलब पालतू जानवर वगैरह रखते हैं यहाँ पे, मतलब काऊ पेन जैसा लग रहा है, राइट? वाइब देता है। और ये हमारा फ्रंट साइड, तो दो बड़े बड़े गेटवे होंगे इस तरफ वाला, मतलब इस तरफ जो गेटवे होगा, यहाँ पे कोई डोर वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे डोर होगा। सो या इट्स लुकिंग गुड, एंड या आई थिंक इट लुक्स ग्रेट, बट फिलहाल आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है मिडिल ऑफ द नो वेयर लग रहा है, राइट? सो मैं इसको थोड़ा सा सामने वाला एरिया जो है थोड़ा सा फ्लैट करूँगा, और इसके चारों तरफ एक 2 ब्लॉक स्टॉल कबल स्टोन वाला वॉल लगाऊंगा, जिससे वो मतलब काउस एस्केप ना कर पाए। माई गॉड, आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। सो बेसिकली मैं यहाँ आऊँगा और 2 ब्लॉक टॉल कबल स्टोन वॉल दूंगा, लाइक सो। सो दिस इज ऑलरेडी 3, सो मैं 3 ब्लॉक से ज़्यादा नहीं दूंगा, नेचुरली एक सर्कल जैसा बनाने की कोशिश करूँगा, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, सो दिस इज लाइक दैट। सो नेचुरल जैसा एक सर्कल जैसा शेप हमें बनाना है, ठीक है? ज़्यादा परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ऐसा लगना चाहिए ना। लोग यहाँ वहाँ से पत्थर उठा के ला के अपने काउस को जंगली जानवर से बचाने के लिए ऐसा एक वॉल बना दिया है, राइट? और स्टोरी बनाओ यार, माइनक्राफ्ट खेलो, स्टोरी बनाओ, मज़ा आएगा खेलने में, जस्ट ड्रैगन मारने में क्या मज़ा है, राइट दोस्तों? एंड या लुक्स मच बेटर ना, लुक्स मच मोर फोर्टिफाइड हमारा वॉल, मतलब आउटलाइन लग गया है। मुझे इसको 2 ब्लॉक टॉल करना पड़ेगा हर जगह से, ताकि काउस वगैरह एस्केप ना कर पाए। एंड देयर वी गो दोस्तों, हमारा काउ पेन अब बन चुका है, एंड फॉर सम रीजन काउ की जगह पिक घूम रहा है। भाई पिक क्या कर रहे हो? सो यार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो मैंने चारों तरफ वॉल लगा दिया है, जिससे हमारे जो काउ है वो बाहर नहीं जा पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई काउ नहीं है, क्योंकि मेरे पास बस 2 ही हेबल है, मुझे काउ ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे काउ घूम रहा था अभी जस्ट, एंड ये जो येलो वूल आप देख रहे हैं बेसिकली हेबल्स है, पर मेरे पास ओरिजिनल हेबल नहीं है, तो मैं येलो वूल यूज़ कर रहा हूँ। कुछ सिप मिले थे तो उनको सीयर करके येलो डाई कर दिया, जिससे हेबल का कलर मिलता है, बट दे आर नॉट हेबल्स, बट आपको सोचना पड़ेगा ये हेबल है, ठीक है? सो एनीवे, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमने चारों तरफ एक सर्कल जैसा एक कॉबल स्टोन का वॉल लगा दिया है 2 ब्लॉक का, एंड समटाइम्स 1.5 ब्लॉक, जिससे काउ जंप करके बाहर नहीं जा पाएंगे, सो विच इज़ प्रिटी गुड। एंड ओवर हियर हमारे काउ को पानी पीने के लिए कुछ वाटर ट्रॉफ है, ट्रॉफ वाटर ड्रॉप जो भी बोलते हैं, थोड़े से शेडिंग मतलब छाव रहता है, पानी ठंडा रहता है, राइट? एंड ओवर हियर वी डिड द सेम, बट इस तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इन केस गाय वगैरह को नहलाना हो वगैरह वगैरह, उसमें यहाँ से पानी लेके आप कर सकते हैं, राइट? और ये हैं ऑब्वियसली एक शेडिंग एरिया, मतलब रात होने पे गाय वगैरह लोग अंदर आ जाते हैं, और या तो बारिश वगैरह हुआ तो हेस वगैरह आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे वो गीले नहीं होंगे। सो ये यहाँ पे भी कुछ है, एक थोड़े सा लॉक दे दिया मैंने, जिससे थोड़ा सा जो ग्रे का मतलब स्टोन का जो ग्रे कलर है वो टूट जाता है। थोड़े बहुत लैंटिंग फॉर द लाइट, थोड़े बहुत बुश जस्ट टू मेक इट लुक लाइक बहुत दिनों से कोई इसको साफ नहीं किया है, तो घास पत्तियाँ उग गए हैं रूफ पे। सो यार दोस्तों, आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, बट फॉर नाउ दोस्तों कुछ गाय ढूंढते हैं और यहाँ लेके आते हैं, नहीं तो यार बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। सो लेट्स फाइंड सम काउ माय फ्रेंड, कम ऑन टू योर इटर्नल होम माय फ्रेंड,
यहाँ पे मैं आपको पूरी सुजोग सुविधा देंगे, ठीक है, सुजोग सुविधा। माई बेंगोली एंड हिंदी एक्सेंट इज प्रीटी गुड, नॉट गना लाइक। तो तुम यहाँ रुको, मैं आपके लिए कुछ और दोस्त ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है। अरे भाई ये कैसे, हाउ 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 डिड यू मैनेज टू डू दैट? अरे भाई एस्केप कर गया, यहाँ कहाँ से चढ़ा, किससे चढ़ा? लैंटर्न देखो, लैंटर्न हटाओ। अबे यार बड़े हरामी लोग हैं। अच्छा अच्छा, फिर बाहर जाएगा ना, बहुत मारूंगा। बाहर चला जाता है भाई, इतना अच्छा घर है, आराम से घूमो, घरो, खेलो। नहीं, बाहर जाके क्या करना है तुम लोगों को है? तो या दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो वॉल था और उसके ऊपर जो लैंटर्न था वो हटा दिया है, जिससे आप वो आई होप वो एस्केप नहीं करेंगे। सो आई थिंक या दोस्तों, हमारा जो काउ फार्म था, काउ पेन था, वो बन चुका है। एंड या दोस्तों, मैंने कहा था कि इस एपिसोड में बनाऊंगा एक ऑटोमेटिक लेदर फार्म, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता इसको और ज़्यादा लंबा बनाने की। सो आई थिंक दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा वो होगा एक ऑटोमेटिक लेदर फार्म का। एंड या दोस्तों, मैं उस ऑटोमेटिक लेदर फार्म को एक बुचर शॉप में परिवर्तित करूंगा। आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड। सो या, नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जस्ट हिट समथिंग, ओके। एनीवे दोस्तों, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय।